गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने इन्वर्स ट्रिगो का दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट समझो या रूल समझो, जो अभी तक आप क्या देखे थे, क्या देखे नहीं थे, क्या आपको ध्यान में हम रखवाए हैं। ब्रह्मास्त्र में वो बात बोले थे कि वो सभी प्रश्नों के लिए है, चाहे ट्रिगोनोमेट्री का थीटा हो या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का थीटा हो, नेगेटिव नहीं रहने देना है, सबको पॉजिटिव कर देना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत सा फार्मूला रटने से आप बचे रहिएगा, ठीक ना। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के थीटा को 90 से बड़ा नहीं रहने देना है, और अधिकांश सवाल में हमको भाषा एक जैसा करना ही पड़ता है। भाषा बोले तो अंदर या बाहर जो ट्रिगोनोमेट्री या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है, अंदर में भी वही ऐसा या ऐसा, या तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का थीटा वही ट्रिगोनोमेट्री हो, या फिर ट्रिगोनोमेट्री का थीटा वही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है। ये था मेन कॉन्सेप्ट को, मेन थ्योरी को, जो भी कह लो, हो गया। अब मैंने कल आपको, मतलब जस्ट इसके प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको क्या बताया था, रूल फर्स्ट, वो क्या बताया था कि जब इन्वर्स ट्रिगो का थीटा, जो कि पहले हम क्लियर कर चुके हैं एक साइड का रेशियो होता है, कोई एक्स ना हो के एक्स के फॉर्म में रहे तो कैसे बनाएंगे। आज रूल टू हम लेके आए हैं कि अब एक्स नहीं हो के ट्रिगोनोमेट्री होगा, लेकिन सिंगल ट्रिगोनोमेट्री नहीं, ठीक ना। सिंगल ट्रिगोनोमेट्री नहीं, मतलब ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म में, जैसे मान लो कि साइन इनवर्स 1 - cos x है, तो सिंगल ट्रिगोनोमेट्री तो है, हम मानते हैं, लेकिन एक फॉर्म के रूप में ना, सिंगल बोले तो सिंगल, बस ये नहीं होना चाहिए, ठीक ना। समझ रहे हैं, ऐसा है या फिर ऐसा हो जाए या फिर कैसे ही भी हो जाए, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ना, सवाल दो तीन सवाल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। फिर ऐसा ऐसा जहां पर भी है अब खोज के अपना बना लो, उसके बाद पाँचों थ्योरी जब पढ़ लोगे तो एक बार फिर से अपना बना लेना, रिविजन का रिविजन हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट तो सब सवाल का यही है कि भाषा सिमलाना है। भाषा भी ये बता दिया कि जिस इन्वर्स ट्रिगो से अगर प्रश्न शुरू है तो उसके थीटा को उसी ट्रिगो में बदल देना, या फिर जिस ट्रिगो से प्रश्न शुरू हो रहा है उसके थीटा को उसके इन्वर्स ट्रिगो में बदल देना, वही भाषा हम उसका नाम रखे हुए हैं। तो कह रहे हैं अर्थात थीटा में जो भी ट्रिगो है उसे इस प्रकार से सॉल्व कीजिए कि भाषा आ जाए। तो ये तो पढ़ाई नहीं हुआ, ये तो कॉन्सेप्ट है, आपका आइडिया है ना। तो उसके लिए हम कुछ बात बताए हैं, ये तीन मुख्यतः हम देखें कि तीन काम करने से क्या हो जाता है, जिसमें हमको चाहिए वो आ जाता है। कहा जा रहा है कि अगर फार्मूला लगा तो ठीक, थोड़ा हम लिखना यहाँ छोड़ दिए, फार्मूला अगर डायरेक्ट लग रहा है तो लगाइए, कोई बात नहीं, लग रहा है डायरेक्ट तो डायरेक्ट क्या कर देना है, लगा देना है। अगर नहीं लग रहा है तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, बट्टा का जोड़ घटाओ गुना भाग इत्यादि जो बना है बनाते जाइए, फार्मूला लगाते जाइए, बनाते जाइए फार्मूला, लगाते बनाते बनाकर फार्मूला लगाते रहो, फार्मूला लगाते रहो, ठीक है ना। कन्वर्ट करो, यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला आए तो लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला आए तो लगाओ, आए तो लगाओ, ठीक। ये तो कहने का जरूरी नहीं था क्योंकि लंबा बात हो जाता। अब वही जोड़ घटाव करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा ही था, क्लास 10th, 11th या 12th से भी हो सकता है कि फार्मूला आ जाएगा, 12th से भी फार्मूला आ सकता है, अपना लगाते जाइए। ऊपर नीचे अगर सेम टर्म हो, सेम बात में अगर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, यहाँ पर मैंने फिर गलत, सेम बात हो और फार्मूला नहीं लगे, और फार्मूला नहीं लगे तो रेशनलाइज करो, हो गया। अब कोशिश रखना है कि सभी का थीटा एक जैसा करें, जैसे कि हम लिखे हैं कि मान लो किसी एक का थीटा चेंज हो रहा है तो सभी ट्रिगोनोमेट्री का थीटा चेंज करना, अगर किसी एक का हाफ हो रहा है तो सबका थीटा हाफ कर देना, अगर एक का ट्वाइस हो रहा है तो सबका थीटा ट्वाइस कर देना। ऐसा करते रहोगे खुद ब खुद क्या हो जाता है, भाषा आ जाता है। यही आज का कॉन्सेप्ट है। तो आप अगर पुराना मेरा है विद्यार्थी तो आपको पते है कि इसको नोट करना होता है, अगर नया हो आप तो पहले शुरू से पढ़ो, नोट करो, चलिए लिखिए, पॉज करके लिख लिए होइएगा। अब दो चार सवाल मैं बता दे रहा हूँ, बात को समझिए, उसके बाद आप जाइए बनाइए।
अब एक दो सवाल मैं ले रहा हूँ, देखिए आप किसी भी किताब से बना सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं। चलिए एक सवाल हम ले रहे हैं, चलिए अभी मैं इस पे बात करूं। है तो जो मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देखने वाले हैं, देखिए इसमें एक वीडियो आया होगा जिसमें मैंने क्लास 10th 11th और 12th का इम्पोर्टेंट फार्मूला को एक जगह बताया है, समझाया है। इसी वीडियोज में होगा, मतलब ये रूल टू रूल वन नाम से जो वीडियो है उससे जस्ट पहले वाला वीडियो, उसी में बताया। अभी मैंने सारा नियम आपको लिखा था तो आप प्रश्न को समझो। देखो बताए हुए थे कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्री वाला वर्ड के माथा पर माइनस वन आ जाए तो उसे इन्वर्स पढ़ना। जैसे यहाँ देखो 10 माथा पर माइनस वन रख दिए तो ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हुआ, और इसके माथा पर वन नहीं है तो ये ट्रिगोनोमेट्री हुआ। तो हुआ ना, जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का थीटा, तो इसके लिए ये क्या बनने वाला है, यही ना थीटा हो गया। सिंगल ट्रिगो में न हो के ट्रिगल का फॉर्म में हो, तो देखो टर्म के रूप में या फॉर्म के रूप में है ना, और डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं लग रहा हो। तो देखो यहाँ इन्वर्स ट्रिगो का तो फॉर्मूला नहीं लग रहा है कोई, क्योंकि इसका थीटा तो इन्वर्स ट्रिगो है ही नहीं, ये तो ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक, तो बनाने का तरीका क्या बताए थे, अगर ट्रिगोनोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो लगाओ, खोजो। पन्ना सामने हम कहे थे रखने के लिए, पहला टाइम देख रहे हो तो रखो, क्योंकि मैं तो हमेशा कह रहा हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा, सवाल तो बनाना आपको। तो सबसे पहले हम इसको देखें गौर से, तो याद है ना क्लास 11th, और मैंने डायलॉग आप लोगों को बनाने के लिए कहा था कि 10th क्लास और 11th क्लास का सब फार्मूला भूल जाना है। अच्छा बात तो नहीं है लेकिन फिर भी, लेकिन हाफ एंड ट्वाइस नहीं भूलना, और हाफ एंड ट्वाइस भी भूल जाना, वन माइनस कॉस एक्स होता है और वन प्लस कॉस एक्स होता है, ये नहीं भूलना। पढ़ना ये नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो आप लिखे हुए थे तो आप लोगों को हम कहे थे ना, ये लगिए यहाँ पे दीजिए, यही ना ऐसा बोले हुए थे पिछला वीडियो, इस रूल वन से पहले हुआ वीडियो होगा। आपको कहे थे जब भी बनाने के लिए बैठना ये पढ़ना, या लिखा हुआ है ना ऐसे करके, यहाँ मैंने क्लास 10th और 11th और इधर क्लास 12th बोला था कि लिख के सामने में रखे रहना। मैंने बताया था जितना उपयोगी है सब सामने, रटने का जरूरी नहीं है, खुद याद हो जाता है। तो हमको ये याद है, तो देखो ये होता है 2 cos² θ/2 का, वहाँ मैंने समझाया पहले, तो ये 10 इनवर्स का 10 इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 sin² गलत बोल दिया था, माइनस रहे तो साइन होता है, प्लस रहे तो कॉस होता है, θ/2 वहाँ मैंने समझाया था। यहाँ जो भी लिखा हुआ है आम इमली कटहर पपीता कुछ भी, वही ट्रिगोनोमेट्री का थीटा हुआ, और जो लिखा हुआ है सब उसका आधा कर देना। तो प्लस रहने पर कॉस का होता है, तो ये हो गया 2 cos² x/2 10 इनवर्स, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो sin² / cos² 10th क्लास के हिसाब से 10² हो गया, स्क्वायर के कारण रूट हट गया, 10 इनवर्स क्या हो गया 10x/2। यही ना भाषा हम इसका नाम रखे हुए थे, अभी भी थोड़ा सा हल्का सा समझाया कि बाहर में जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हो थीटा उस भी उसका वही हो, तो ये कट के हट जाता है, और इस प्रकार से यही आंसर होके क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तो बेहद ईजी वाला टाइप में हम लिए थे, थोड़ा आप डिफिकल्ट लेके उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करके बनाते हैं आप लोगों को। अब देखिए सेम यही सवाल ले रहा हूँ और समझा रहा हूँ, देखो सवाल है 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। अब देखिए तो पन्ना तो आप सामने रखे हुए हैं, अगर कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ठीक, नहीं देख रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ देखो डायरेक्ट कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा है, और ऊपर नीचा सेम स्टाइल है। अभी ये मैंने आइडिया में लिखा था ना, 3 आइडिया दिया था ना, तो क्या बताया मैंने कि ऊपर नीचा सेम स्टाइल हो तो रेशनलाइज कर देना चाहिए। तो चलिए हम इसका रेशनलाइज करें, जितना बात मैंने बताया सब पे एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैंने देखा है कि हम जहाँ पे अपना कोचिंग चलाते हैं वहाँ पर कैसे, अभी NCERT तो चलता ही है, उसके अलावा 3-4 राइटर का किताब फेमस है यहाँ पे,
आर्ष अग्रवाल, के सी सिन्हा, आर डी शर्मा का। सारा का सारा से हम देखते हैं कि सब सवाल बन जाता है। तो कहने का मतलब बड़े बड़े राइटर है तो आपके आईआईटी जीआईटी जो भी कहते हैं सब में काम एवे करेगा। तो चलो ये क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। रेशनलाइज आप लोग जानते ही हैं, नीचे में जो चिन्ह हो उसके उल्टा चिन्ह से हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। अब देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। ऊपर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब बट्टा में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। असल में जब भी ट्रिगोनोमेट्री में आप प्रूफ करने के लिए चले, असल में हमको प्रूफ क्या करना है, असल में मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पूरे का सूरत ऐसा कर देना है। मेन कॉन्सेप्ट तो यही ना है कि बाहर में जो ट्रिगो हो इन्वर्स में, अंदर में भी वही ला देना है। मेरा तो दिमाग भी ये है, मेरा दिमाग एनी टाइम खोज रहा है कि हमको क्या कर दे इसके साथ कि इस रास्ता की ओर हम लोग चल पड़े। तो कहने का मतलब हुआ कि टेन इन्वर्स, यही मैंने आपको शुरू में बता दिया था ना कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रह्मास्त्र क्या है, कि बाहर में जो इन्वर्स ट्रिगो हो अंदर में भी वही ला देना है। तो देखो ई और ई कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस। और हाँ कुछ और बोल रहे थे कि याद रखना, अगर ट्रिगोनोमेट्री में जब भी उंगली रुके ना तो वहाँ फार्मूला ही है, अगर फार्मूला नहीं है तो सबको साइन कॉस में बदल के बट्टा का जोड़ घटाओ गुना भाग करो अथवा रेशनलाइज करो, ठीक। सबका थीटा एक जैसा करते रहो, गुना जोड़ो अरे आधा हो रहा है तो सबका आधा करो, दुगुना हो रहा है तो सबका दुगुना करो, एक का चेंज हो रहा है तो सबका चेंज करो, वही लिखे हुए थे हम, वही बात करते रहो, अपने मन कुल मिला के ट्रिगोनोमेट्री प्रूफ होते रहता है। अब फिर से देखो तो ये भी एक फार्मूला है साइन टू थीटा का बट्टा, ये भी एक फार्मूला है कॉस टू थीटा का। हो गया यहाँ तक हम पहुँच गए, ये ना। अब फिर उंगली रुक गया, तो अब हम तो बोले थे सबको साइन कॉस में बदलो, ऊपर नीचे सेम स्टाइल है तो रेशनलाइज कर दो। तो अब तो साइन कॉस में है ही और नीचे में तो सेम स्टाइल है, नहीं तो रेशनलाइज कर नहीं सकते। तो क्या बोले हुए थे कि फार्मूला देखो डायरेक्ट मिलेगा या फार्मूला देने का कोशिश करो ऐसा रूप। तो हम बोले हुए थे ना कि सब फार्मूला भूल जाना है, हाफ एंड ट्वाइस नहीं भूलना। अगर मेरे पन्ना सामने लिख के जैसे हमने कहा था वैसे रखे हुए, तो वहाँ पर हम बोले हुए थे कि वन माइनस कॉस होता है या वन प्लस कॉस होता है। तो देखो यहाँ वन माइनस साइन हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस साइन को क्या बनाना पड़ेगा, कॉस। और टेंथ क्लास में पढ़े हुए हो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखो इसको क्या लिखना पड़ेगा, टेन इनवर्स वन माइनस साइन के बदला हम क्या लिखेंगे, कॉस, और क्या हो जाएगा ये 90 यानी पाई बाय टू माइनस। तो मेरे लिए थीटा ये ना बना अब थीटा। अभी ये मैंने आइडिया में लिखा हुआ था कि अगर एक का थीटा चेंज हो तो सब का थीटा चेंज करना। तो देखो इस ट्रिगोनोमेट्री का थीटा चेंज हुआ तो इसका भी थीटा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कौन कर देता है, साइन को कॉस में चेंज करना है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस टू थीटा। इसका एक आसान तरीका भी है लेकिन नहीं, वो प्रॉपर सवाल के लिए प्रॉपर बात रखना मेरे नज़र से थोड़ा गलत है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखा कीजिए जो सब में लागू होता रहे। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। आपने ऐसा सोचा क्यों, क्योंकि वन माइनस कॉस रहता तो फार्मूला हो जाएगा। ये मैं आम इमली कटर पपीता बोलता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री के आगे कुछ भी लिखा हुआ है सारा वो थीटा कहलाया था, इसे मैं थीटा ही पढ़ूंगा। तो वन माइनस कॉस थीटा मेरा पन्ना सामने है, देखो यहाँ पर भी मैंने इसीलिए आप लोगों के सामने लिख के दिखाने के लिए रखा था। देखो लिखा हुआ है ना वन माइनस कॉस थीटा का फार्मूला लिखे हुए, इस पर नहीं लिखे हुए हैं, इस पर आप इस पर ये लोग लड़का लोग देखिए जो पढ़ रहा है वो नहीं लिखा है। चलिए तो वन माइनस कॉस थीटा का फार्मूला हम लिखाए हुए हैं आप लोगों को, मेरे वीडियो में देखिएगा था। वन माइनस कॉस थीटा बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो हम इसको लिखेंगे टू साइन स्क्वायर। अब मेरे लिए आम इमली कटर पपीता तो ये, तो मेरे लिए थीटा कौन बनेगा, पाई बाय टू माइनस टू थीटा, ये मेरे लिए थीटा बना। तो थीटा बाय कितना, टू। अब ये मैंने जस्ट बताए थे कि अगर एक का थीटा चेंज हो तो सब का चेंज करना पड़ेगा। ऊपर का चेंज हुआ तो इसका भी चेंज होना चाहिए। तो इसका भी फार्मूला देखो है, देखते हो ये हाफ एंड ट्वाइस, हम ऐसे ही आपको एरो किए हुए हैं और समझाए हुए हैं। देखो यहाँ टू थीटा लिखा है तो यहाँ एक लिखना पड़ता है, अर्थात यहाँ पे जो हो उसका आधा। तो देखो साइन थीटा बराबर टू साइन थीटा का आधा कॉस थीटा का आधा। तो वैसे ही आप लोगों को हम लिखे हुए हैं, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन मेरा थीटा ये
यानी पाई बाय टू माइनस टू थीटा का आधा इंटू कॉस पाई बाय टू माइनस टू थीटा का आधा। अब देखो तो इस दू से ही दू कट गया, एगो स्क्वायर से ये कट गया, हो गया ना टेन इनवर्स। अंदर में क्या बचा, साइन आम इमली कटहर पपीता थीटा, सेम थीटा ये भी कॉस थीटा, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, हो गया। आप देखो भाषा सेम आ गया, ये ना हम चाह रहे थे, तो ये क्या हो जाता है कट जाता है, यही आंसर बचता है। तो यानी इसका आंसर कितना हो गया पाई बाय टू माइनस टू थीटा बाय टू, टू तो सबका बट्टा है अलग अलग कर दो तो ये पाई बाय फोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। हमसे एक गलती हुआ भाई मेरे, मैं सुधार लूँ, मेरा थीटा जब एक्स है तो हमने थीटा क्यों लिखा, तो कहने का मतलब हमसे एक गलती जो हुआ उसको आप लोग सुधार लीजिए। ये सारा जगह पर थीटा नहीं, कॉस है ना, सॉरी एक्स है ना, तो मेरा थीटा का रूप यहाँ पर हमको क्या देना चाहिए एक्स देना चाहिए, चूँकि हम आप लोगों को फार्मूला दिखाने लगे तो वही फार्मूले के अनुसार हम एक्स लिखते चले गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे सारा जगह क्या हो जाएगा एक्स, मेरे पास क्या बोलता है, मेरे पास क्या है वही मेरे लिए थीटा है, तो मेरे पास तो एक्स था तो मेरे लिए थीटा क्या हो गया एक्स ना हो गया। तो थोड़ा सा समझ में आया, मैंने जो कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाने का प्रयास किया, शायद सही समझे या ना समझे आप लोग वो एक अलग चीज़ है। अब एक और दो सवाल और देखते हैं, आज बोर्ड पकड़ रहा है। छोड़ दीजिए, अब एक सवाल और मैं ले रहा हूँ इसी टाइप का। अब यहाँ देखो ये है टेन इनवर्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बट्टा बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। अब ऊपर नीचा भी तो सेम स्टाइल है लेकिन चीज़ अलग हो गई, ये ए है तो ये क्या है बी है, ये बी है तो ये क्या है ए है, रेशनलाइज यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ कर सकते हैं। तो आपका मेन कॉन्सेप्ट अभी भी देखे हो ना, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसको इसके तरफ मूव करना, मतलब इसको किसी न किसी प्रकार से हमें इधर ले जाना है। तो गौर से देखो तो अगर हम बी कॉस एक्स बी कॉस एक्स से इसको भाग दे दे तो ये कट के हट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बट्टा बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा बी से ने भाग दिए थे तो ये हो जाएगा कितना टेन एक्स बट्टा ये एक प्लस ए बट्टा बी टेन एक्स हो जाएगा, कितना से सोचे हैं ए कॉस बी कॉ सॉरी हाँ बी कॉस एक्स से इसको भी इसको भी इसको भी, तो गौर से देखो तो ऐसा ही प्रारूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा क्यों, तो क्या बोले थे या तो टेंथ या तो अलेवेंथ या ट्वेल्थ का आ जाना चाहिए। तो ट्वेल्थ में मैंने एक फार्मूला बताया था, देखो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा फिर भी, टेन इनवर्स टू एक्स बट्टा नहीं नहीं यहाँ देखो देखो टेन इनवर्स ए प्लस बी बट्टा वन माइनस ए बी, तो कहने का मतलब किसका फॉर्मूला आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आ गया। तो कहने का मतलब ये फार्मूला किसका होता है, तो देखो गौर से यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, एक ट्वेल्थ में ही फार्मूला है टेन एक्स प्लस टेन वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा वन माइनस एक्स वाई, देखो तो ये इसके जैसा शक्ल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, तो मेरे लिए ये क्या कौन बन जाएगा यही बन जाएगा और मेरे लिए ये क्या बन जाएगा यही बन जाएगा ना। गौर से देखो देखते हो एक्स के जगह पर ये आया वाई के जगह पे ये आया, तो देखो तो इसी के परफॉर्मा पे चल गया, तो क्या करना चाहिए ऊपर नीचा किससे बी कॉस एक्स से डिवाइड दे देना है, तो कहने का मतलब हुआ टेन इनवर्स
अगर इसको बी कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या, अभी अभी जस्ट बताया ए बट्टा बी प्लस टेन इनवर्स एक्स बट्टा वन प्लस ए बट्टा बी इंटू टेन इनवर्स एक्स। और फार्मूला यह देखो मैंने सामने में बैठाया तो क्या देख रहे हैं, एक्स के जगह पे ये यही ना, और ये मेरे लिए क्या हो गया वाई। तो देख लो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा थी, किसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पे मेरा कितना हो गया ए बट्टा बी प्लस टेन इनवर्स वाई के जगह पे कितना आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। देखो ब्रह्मास्त्र आ गया कि नहीं आ गया अपने आप, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया ए बट्टा बी, और टेन से टेन कट के कितना हो गया एक्स हो गया। एक दो और सवाल मैं हल्का सा देख रहा हूँ, शायद आप बताने वाला कुछ भी नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, सभी ट्रिगोनोमेट्री को बना सकते हैं। एक छोटा सा यूं ही केवल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सिर्फ यूं ही, बस उसे आप लोग पूरा खुदे कर लेना बस। अब जैसे देखो एक सवाल में देख रहा हूँ लिखा हुआ है कॉस इनवर्स रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा जो रूट अंडर वन माइनस साइन थीटा बट्टा रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा माइनस रूट अंडर वन माइनस साइन थीटा। देखो तो गौर से ऊपर नीचा सेम स्टाइल है ना, क्या कर देना चाहिए रेशनलाइज कर दीजिए, और वही जो हम कॉन्सेप्ट बताएं एक का थीटा चेंज हो तो दूसरे का भी चेंज कीजिए, ठीक ना, एक का आधा हो तो दूसरे का भी आधा कीजिए, और करते रहिए ब्रह्मास्त्र लाते रहिए। इस प्रकार से आप लोगों का क्या हो जाएगा, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू वीडियो देखिए, सवाल को बनाइए, सवाल बनता जरूर है चाहे जिस भी किताब से हो। देखने के लिए धन्यवाद।